अमेरिका में एक डोमिनोज वाले एक आदमी के घर पिज्जा देने आया, पर बहुत घंटियां बजाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। घर वाले का नाम कर्क अलेक्जेंडर था, जो पिछले 10 सालों से हर दिन डोमिनोज से पिज्जा मंगा रहा था, जिसकी वजह से वो डोमिनोज वालों के लिए परिवार जैसा हो गया था। पर फिर 11 दिन तक उसने कोई भी ऑर्डर नहीं किया। डिलीवरी ड्राइवर ट्रेसी ने बताया कि कर्क की तबीयत खराब रहती है, तो वो तुरंत कर्क से मिलने गई, पर कर्क ने दरवाजा नहीं खोला, तो ट्रेसी ने पुलिस को बुलाया। उन्होंने तुरंत दरवाजे को तोड़ा, वहां कर्क बेहोश पड़ा था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बच गया। 2013 में एक चैरिटी से किसी ने सारे कंप्यूटर और लैपटॉप चुरा लिए। चोर एक छोटी सी खिड़की से अंदर घुसे और सब सामान साफ करके चले गए। पुलिस वालों ने आसपास के भिखारियों से बात की, पर किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन बाद चोर वापस उस चैरिटी के पास दिखाई देते हैं। चैरिटी की मालकिन तुरंत आती है, वहाँ उसे एक बड़ा सा बैग दिखता है। जैसे ही वो उस बैग को खोलती है, तो उसके अंदर चोरी का सामान मिलता है। साथ ही चोर चोरी करने के लिए माफी भी मांगते हैं। एक पुलिस वाला जेल के अंदर चक्कर लगा रहा था, तभी वो बेहोश होकर गिर गया। 3 कैदियों ने उसे देखा और वो जोर जोर से किसी को बुलाने के लिए दरवाजा पीटने लगे, पर कोई भी नहीं आया। बेहोश हुए पुलिस वाले को शोर से होश आ गया और उसने कैदियों का दरवाजा खोल दिया। कैदियों ने तुरंत उसका रेडियो लेकर बाकी लोगों को बुलाया और उसकी जान बचाई।